जो पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा, जो एंगेजमेंट का पीरियड था, पहले तो रात को आके उससे बात करना रोज़, फिर उसके बाद में जब मैं फ़र्स्ट टाइम सूरत गया था तभी भी हम मतलब फ़र्स्ट टाइम मिले थे, हम अच्छी तरह घूमे, एक दूसरे को और जाना, एक दूसरे की मतलब उसको क्या पसंद है, मेरे को क्या पसंद है, वो सब पता चला। फिर सेकेंड टाइम में हम थोड़े और ज़्यादा क्लोज हुए, क्योंकि पता था कि कौन किसको क्या ज़्यादा पसंद आता है। जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे। तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राह धड़। उनकी स्माइल, उनकी आंखें सब बातें कह जाती हैं। बहुत केयरिंग, स्वीट और एकदम क्यूट सा पर्सन है। तो मेरी बाहें तड़पने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे। इसलिए मेरी शादी के बाद में मेरी दो सिस्टर्स की शादी हुई और 10 से 12 साल के बाद में यहाँ पे हमारे इधर एक वेडिंग का हो रहा है सारा। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं कि हम लोग इसको अच्छे से अच्छी तरह एंजॉय करें और अपने इसको एक मेमोरेबल मैरिज बनाएं हम लोग। जब निकिता का फोटो मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैं तो उसको मतलब अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह? इसके पीछे यही कारण है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। भले ही वो ऊपर से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग है मेरे लिए। तू
तुझ में ही सज जाऊंगी, मैं नच दी फिरा बन ठन बनिया हो, मैं नच दी फिरा दूल्हे के जोड़ में एकदम क्यूट सा लगे, वो साफे में एकदम मासूम सा चेहरा हो और एक कुछ चमक हो उनकी उनके फेस पे, मतलब खुशी होती है कि जब शादी होती है तो वो चेहरे पे खुशी अलग होती है, तो बस वही देखनी थी और वही सेम उनके चेहरे पे भी थी। मैं मेरी बहू का एक बेटी के रूप में स्वागत कर रही हूँ, जैसे मेरे हर्षु विशु हैं वैसे ये मेरी रिकू है। कि जैसे मैंने निकिता को देखा, मेरे को दो बेटे हैं, मेरे को उसमें बेटी का रूप नजर आया। बेटी को सब लोग इतना जो प्यार देते हैं, मैं भी उसको उतना ही प्यार दूंगा। मैं भाभी वेलकम टू आवर होम, बट एज अ फ्रेंड टू मी। खुश नसीब